गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को पार्ट 13 चुंबक, जिसे अंग्रेजी में मैग्नेट्स कहते हैं, के वीडियो भाग 1 में आप सभी को जो है चुंबक, चुंबक के प्रकार, चुंबक के गुण, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय और अनचुंबकीय पदार्थ, एक चुंबक के ध्रुव के बारे में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को जो है कुछ चुंबक के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चों, हमारे दैनिक जो अनुभव है उसके आधार पर मैं बताना चाह रहा हूं। बच्चों, देखते होंगे कुछ वस्तुएं जो है किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करती हैं, वह जो है चुंबकीय बल के कारण होता है, जिसे हम चुंबक बल कहते हैं। आप देखते होंगे अगर हम छत पर से कोई वस्तु को फेंकते हैं नीचे बेटा, वह नीचे की ओर आकर्षित होती है, या प्लास्टिक के कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं तो देखते हैं कि वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करती है। तो बच्चों, इन सब के बीच जो कार्य करता है वह है चुंबकीय बल। ठीक बच्चों, तो अब मैं आपको इसी के साथ जो है चुंबक के बारे में बताऊंगा। तो आपने एक चुंबक को अवश्य बेटा देखा होगा, वे छोटी काली वस्तुएं जिन्हें लोग अपने रेफ्रिजरेटर या देखोगे जो रेडियो होता है उसमें भी चुंबक लगा होता बेटा। तो ये जो बेटा आपका एक किस कारण कार्य करती है, क्योंकि वे कुछ विशेष वस्तुओं को ही आकर्षित करती है और सभी वस्तुओं को जो है यह आकर्षित नहीं करती है। मैग्नेट जो होता है वह लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है बेटा, स्टील की वस्तुओं को आकर्षित नहीं करती है। तो बेटा, चुंबक के बारे में एक कहानी भी है कि ग्रीस में जो है एक गडेरिया रहता था, उसका नाम जो है बेटा मैग्नेस था। वह अपने भेड़ों को चराने के लिए बेटा अपने आसपास एक पहाड़ था वहाँ पर ले गया था, और उसके पास एक जो छड़ी थी उस छड़ी के एक सिरे पर जो है लोहा लगा हुआ था। सौभाग्यवश अचानक बेटा बरसात होने लगता है, वह अपने भेड़ों को जो है एक गुफा में ले जाता है। वह अपने छड़ी को ऐसे ऊपर करता है तो उसकी जो छड़ी होता था जो लोहे का होता है उसमें लगा हुआ जो प्राकृतिक चुंबक होता जो पत्थर होता बेटा वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। उसको बहुत आश्चर्य होता है आखिर कैसा, वह डरा हुआ जो है बाहर निकला और सबको जो है बताने लगा इस गुफा में जो है इस प्रकार की चीज़ें हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो वह पत्थर बेटा एक प्राकृतिक चुंबक था तथा उसने गडेरिए के लोहे की टोपी को आकर्षित किया था। इस प्रकार से बेटा एक प्राकृतिक चुंबक का जो है वो हुआ। ठीक, और उसी गडेरिए का जो नाम था बेटा मैग्नेस, उसी के नाम पर जो है इस चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया बेटा आपका मैग्नेटाइट, मैंने टाइट इस चुंबक का नाम रखा गया, जिसका जो रासायनिक फार्मूला था मैंने टाइट फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बेटा, ये आपका रासायनिक नाम भी है। जो लोहे को एक चुंबकीय छोर होता है बेटा, आपने देखा है जब मैंने टाइट को हम लटकाते हैं तो उसके दो पोल होते बेटा, एक नॉर्थ पोल होता है, आप देख रहे हैं इसमें बनाया बेटा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब हम इसको धागे से लटकाते हैं तो यह चुंबक जो होता है आपका नॉर्थ और साउथ पोल में ही जो है स्थिर होता है। अगर हम इसको क्या है ईस्ट और वेस्ट की तरफ ले जाएंगे, छोड़ते हैं बेटा, फिर यह घूम करके नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ स्थिर हो जाता है।
तो बेटा ये आपका जो है इसके गुण है बेटा, आपको ये भी बता रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ का फिजिशियन ने चुंबक के गुणों का अध्ययन किया बेटा, वह यह बताने वाला पहला व्यक्ति था कि यह स्वतंत्रता पूर्वक क्षण जो है का जो चुंबक होता है बेटा उत्तर दक्षिण दिशा में फैरता है। ठीक, उसके कार्य के बाद बेटा वैज्ञानिकों ने चुंबक के गुणों में दिलचस्पी लेना प्रारंभ किया तथा अब वैज्ञानिक जो है आसानी से जो है चुंबक के बारे में वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा चीनी लोग जो थे 2000 वर्ष पहले इस पत्थर को एक दिशा बताने वाला या कंपास के रूप में प्रयोग किया था। बच्चों अब आता है आपका चुंबक के गुण। बेटा चुंबक के दो गुण होते हैं बेटा, पहला चुंबक लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरा बेटा है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने जाने पर यह हमेशा उत्तर और दक्षिण के दिशा में ही ठहरता है। अब आता है बेटा चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं बेटा, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, कोई पदार्थ जो जैसे बेटा आपका जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। बेटा इसकी जो आकर्षक शक्ति होती है वह कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा कम होती है। और जो है कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं, जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह जो है प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा ज़्यादा जो है शक्तिशाली होता है। ठीक बेटा, अब आता है आपका चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं और अचुंबकीय पदार्थ कौन से बेटा, जो पदार्थ एक चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं, जो पदार्थ एक चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों चुंबकीय पदार्थ में आपका जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है, हैं मिश्र धातुएं, ये सब चुंबकीय पदार्थ हैं। अब आता है जो पदार्थ एक चुंबकीय चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं बेटा। इसका उदाहरण है एल्यूमिनियम, कॉपर, पत्थर, चीनी, पत्थर के बने हुए वस्तुएं आदि जो है आपके जो है अचुंबकीय पदार्थ हैं। यहाँ बेटा आपको जो है इस फिगर में जो है चुंबक की विभिन्न आकृतियों में दर्शाया गया है। ये आपका बेटा जो दिया है या सिलेंडर युग की तरह जो है चुंबक का आकार है, या घोड़े की नाल की तरह या यू के आकार का चुंबक है, यह आपका जो है चुंबक की जो है पट्टी की तरह है। एक आपका बेटा होता है डंबल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, डबल जैसा होता है इस तरह का जो है चुंबक। ठीक, ये भी ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक बेटा, तो इस प्रकार के जो है चुंबक की विभिन्न आकृतियाँ है बेटा। अब आता है आपका एक चुंबक के ध्रुव। ठीक, आप देखें बेटा कि एक चुंबक चुंबकीय पदार्थों की बनी वस्तुओं को बेटा धकेलती है। यह हम क्या है चुंबक का जो बेटा, अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल से पास ले जाते हैं देखते हैं बेटा यह चुंबक क्या करता है, इस ये दूसरे को बेटा क्या है अपोजिट दिशा में धकेलते हैं। मतलब नागपुर अगर नागपुर में एक पास ले जाएगा तो एक दूसरे को जो है विपरीत दिशा में धकेलते हैं। यदि इसको जो है उल्टा कर देते हैं बेटा साउथ पोल को जो है नॉर्थ पोल की तरफ ले जाते हैं तो एक दूसरे से बेटा क्या करते हैं ये आकर्षित हो जाते हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास आते बेटा तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो बेटा ये चुंबक का जो है इससे सिद्ध होता है बेटा कि जो है चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक आपका उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा बेटा आपका दक्षिणी ध्रुव होता है। तो बच्चों हम इसके लिए जो है आपको बताए ही थे अभी कि अगर हम जो है इस टाइप के चुंबक को
धागे में बात कर लटकाते हैं तो यह चुंबक का जो गुट होता है बेटा, जो नॉर्थ ध्रुव होता है वह उत्तरी जो है तरफ झुकेगा और साउथ जो ध्रुव होता है वह दक्षिण की तरफ ही स्थिर होता है। तो बच्चों अब आपको जो है चुंबकीय कंपास के बारे में और चुंबकीय बल के बारे में, समान ध्रुव प्रकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, इन सभी के बारे में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।